खबर बड़वानी से। महाराष्ट्र से आने वाली बसों का संचालन जहां बंद, वहीं अल सुबह रूट बदलकर कर रही प्रदेश में प्रवेश। प्रशासन मौन, सीएम शिवराज ने दिए निर्देश। बढ़ते कोरोना के चलते महाराष्ट्र से आने वाली यात्री बसों को प्रदेश में नहीं दिया जाएगा प्रवेश। बड़वानी सीएम के निर्देश, महाराष्ट्र से आने वाली बसों का प्रदेश में प्रवेश बंद। लेकिन ये निर्देश कितने प्रभावी हैं वो इन वीडियो को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। बॉर्डर पर जहां बिजासन चौकी पुलिस दिन में आने जाने वाली बसों को रोककर कार्रवाई की खाना पूर्ति कर रही, वहीं अल सुबह रूट बदलकर पलसूद, राजपुर, व्याया, जुलवानी में बसें फिर हाईवे पकड़कर इंदौर जा रही। हालांकि इस मामले में पूर्व में बड़वानी आए सीएम भी मीडिया के सवाल पर जवाब नहीं दे पाए थे, जबकि पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन भी बड़वानी जिले के माध्यम से प्रदेश में महाराष्ट्र से आने वाली बसों के माध्यम से संक्रमण परोसने का आरोप लगाकर इसे सरकार की विफलता बता चुके हैं। वहीं जिले के जवाबदार इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि जब आवाजाही नहीं रोकना है तो फिर निर्देश का दिखावा क्यों? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रोहित गुप्ता है सर। कहाँ के हो? हम यूपी के, उत्तर प्रदेश गोंडा जिला। कहाँ से आ रहे हो तुम? हम पुणे से आ रहे हैं सर। क्या करते हो पुणे में? पुणे में नौकरी करते हैं सर। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी हम यूपी जा रहे हैं सर। फिर क्या हुआ आपके साथ? हमारा यही हुआ सर कि हमारा उधर का काम बंद हो गया, इसलिए हम बोले कि इधर भूखा मरेंगे तो उधर ही जाके अपने घर पे कम से कम खाने को तो मिलेगा सर। तो अभी आपको किसने रोका है यहाँ पे? हाँ सर, अभी आपको किसी ने रोका यहाँ पे? हाँ, जब पुलिस वाले नहीं जाने देंगे। क्या बोल रहे पुलिस वाले? आगे तो वही बोल रहे हैं कि नहीं जाने देंगे सर। तो आपकी यूपी में रोजगार नहीं है क्या? अभी यूपी में रोजगार होता तो काहे के लिए महाराष्ट्र जाते सर? तो वहाँ कुछ तो होगा रोजगार? कुछ भी नहीं है सर, खेती बाड़ी है सर, उसमें क्या कर लेंगे सर। खबर भारत वर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।